अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मेटा फील्ड्स की या कस्टम फील्ड्स की, जो हमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट जगहों पे या अपने पूरे स्टोर में कहीं पे भी हम डायनेमिक जो फील्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। डायनेमिक फील्ड से क्या मुराद है, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं और डायनेमिक फील्ड्स एक्चुअल में क्या होती हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर सेटिंग्स के अंदर आएँ, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटा फील्ड्स, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है चूज द पार्ट ऑफ योर स्टोर यू वांट टू ऐड अ न्यू फील्ड टू। लेट्स सपोज एक डिज़ाइन के अंदर या थीम के अंदर वो चीज़ नहीं है, वो डिज़ाइन या वो स्पेस या वो एलिमेंट नहीं है और आपको वो चाहिए, तो आप कस्टम फील्ड को यूज़ करते हो, वहाँ पे वो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है हमारे पास ऑर्डर्स, पेजेस, ब्लॉग्स, हमें प्रोडक्ट पेज के अंदर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड डेफिनेशन कर दूंगा। लेट्स से मैं शो करवाना चाह रहा हूँ डिलीवरी टाइम अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। राइट नाउ अगर मैं ये प्रोडक्ट पेज को देखूँ तो यहाँ पे देखें कोई डिलीवरी टाइम का, ये तो मैंने वैसे ऐड किया था, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे डायनामिकली हर प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिफरेंट डिलीवरी टाइम हो और मैं एक ही बार उसको बनाऊँ एक डायनामिक फील्ड को, तो वो किस तरह से करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ डिलीवरी टाइम। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे द प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किस तरह का जो फील्ड है वो आप लेना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सिंगल लाइन चाहिए और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव कर दिया। अब मैं स्टोर इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी कहीं पे भी वो ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टोर पे जाता हूँ थीम्स के अंदर और जाके इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ कहीं पे भी शो करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे शो करवाना है तो मैं यहाँ पे भी शो करवा सकता हूँ। लेट्स से बल्कि हम उसी के अंदर ही चलते हैं, प्रोडक्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉक करूँगा और यहाँ पे देखें जो है हमारे पास कस्टम लिक्विड, इसको मैं क्लिक करूँगा। कस्टम लिक्विड में भी नहीं होगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे ये ऑप्शन है इनसाइड डायनेमिक सोर्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये हमारे पास है डिलीवरी टाइम जो हमने बनाया था। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। ओके, अब मैं इस पर लिख देता हूँ योर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने टैग लगा दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब लेट्स से मैं अपने इसको प्रोडक्ट को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं पहले इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ की बजाय यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको उठा के यहाँ पे प्राइसिंग के नीचे रख दूँगा यहाँ से इस जगह पे प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब लेट्स से मैं वापस चला जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर और मैं इसको भी एडिट करता हूँ और इसको भी एडिट करता हूँ, तब आपको ज़रा समझ आ जाएगी इस चीज़ की। लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट एडिट किया और यहाँ पे देखें आप ऑप्शन आ रहा है मेटा फील्ड्स का शो ऑल। ठीक है, हमारे पास डिलीवरी टाइम का ही मेटा फील्ड हमने बनाया था और यहाँ पे देखें योर डिलीवरी टाइम और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 25 डेज। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और अब मैं अपने प्रोडक्ट को अगर देखूँ तो इस प्रोडक्ट में वो यहाँ पे शो हो रही है डिलीवरी टाइम 25 डेज। अब ये एक और प्रोडक्ट है दूसरा, इसके ऊपर भी सेम वही ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल मुझे यहाँ पे मुझे मतलब बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा इस तरह से, और मतलब एक फील्ड मैंने डायनेमिकली ऐड कर दी और हर प्रोडक्ट के नीचे वो फील्ड आ रही है और उस फील्ड में मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिखूँगा 2 डेज, 2 डेज। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं देखूं तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम 2 डेज
और यहाँ पे देखूँ 25 डेज जो भी मैं ऐड करना चाहूँ। तो इस तरह से कस्टम डायनेमिक फील्ड्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या कहीं पे भी हम करना चाहें। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ये मेटा फील्ड्स जो हैं किस काम आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप किसी कहीं पे भी कुछ भी डायनामिकली कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।